वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज की इस वीडियो में आपको बताना है जोसा के बारे में। जोसा की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जोसा का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अब हम लोग बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आप जोसा की वेबसाइट खोल लीजिए, josa.nic.in, या गूगल पे जोसा सर्च करेगा तो सबसे पहले लिंक आएगी josa.nic.in। वो लिंक खोलिए, आपको इधर रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन आ रहा है इधर। तो आप इसको क्लिक करेगा तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि इधर जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर मांगा होगा, कि आपको जेई मेन का रजिस्ट्रेशन का होगा, एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, तो आप वो एप्लीकेशन नंबर इसमें डालिए। फिर इधर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड में आप जेई एडवांस का, अगर आप एलिजिबल हुए थे जेई एडवांस में, रजिस्टर किया था आपने जेई एडवांस के लिए, तो वो वाला पासवर्ड डालिए ना, जिन्होंने बस जेई मेन में एलिजिबल थे वो जेई मेन का बस इधर पासवर्ड डालेगा इस एरिया पे। और इधर केस सेंसिटिव लेटर जो नीचे दे रखा है ये लेटर, इसको ऊपर एड्रेस लिख दीजिए कि कैपिटल में, जो कैपिटल में लिखेगा स्मॉल में तो स्मॉल में लिखेगा, और लॉग इन कर दीजिएगा। उसके बाद तो लॉग इन होने के बाद आपको अलग अलग कॉलेज का ऑप्शन आएगा कि कौन से कॉलेज में कैसा आपको सिलेक्ट करना है ब्रांच, तो मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइप का ऑप्शन आता है। एक तो इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी दे दी है, आप सीट मैट्रिक्स खोलेंगे तो भी खुल जाएगा। अभी ये थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी भी आया सीट मैट्रिक्स, अपडेट हुआ है दो एक दो मिनट पहले ही। तो सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात कर ले तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग में भी इसी टाइप का आएगा कि आपको इधर इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हो गए, इधर आप IIT सेलेक्ट कर लीजिए, NIT, IIIT, GFDI, मतलब आपको जो करना है, 4 साल का कोर्स करना है, 5 साल का, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको IIT करना है तो IIT को सिलेक्ट करिए, NIT करना है तो NIT को सिलेक्ट करिए, तो आपका वो ऑप्शन आ जाएगा अपने आप और बाकी ऑप्शन चले जाएंगे। और इधर आपको कॉलेज के नाम आएगा, ये कॉलेज कोई से भी कॉलेज आपको देखना है, जैसे कोई IIT का या NIT का ही है, मैं NIT दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो NIT दिल्ली का चेक कर लेता हूँ, तो इससे NIT दिल्ली की जितनी भी ब्रांच और ये सब आ जाएगी अपने आप। और इसमें ब्रांच का भी ऑप्शन आएगा कि ब्रांच कौन सा सिलेक्ट करना है। इसके अंदर हम ब्रांच देखा जाए तो CS हमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें नो रिकॉर्ड, इसके अंदर अपने आप आ जाएगा ब्रांच के वाइज से, अगर आप जाके चेक कर सकते हैं ब्रांच की। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि CS इसके अंदर है अभी, मगर इसमें शायद अभी अपडेट हुई है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा होगा, थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ना आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और आपको हर कॉलेज का दिखा देगा कौन से कॉलेज में ब्रांच अवेलेबल है। अगर आपको स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, इसमें सीट मैट्रिक्स दे रखी है कि जनरल वालों की कितनी है, जनरल BW की कितनी है, जनरल EW जो अभी निकला है कुछ टाइम पहले, EWS की रिजर्वेशन वो इसमें मिल जाएगा आपको, और SC ST PWD OPC के NCL के बारे में बता रखा होगा, फीमेल सीट और वो टोटल सीट कितनी है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आराम से बता रखा है। सीट कैपेसिटी इसमें टोटल बता रखा है हर ब्रांच वाइज हर कॉलेज की, तो आप वो देख लीजिएगा, उस हिसाब से चॉइस फिल करेगा। चॉइस फिल करते समय बहुत सोच समझ के फिल करेगा। अगर आपको जोसा के रिलेटेड कोई भी डाउट है, चॉइस कैसे फिल करना है, जोसा में फीस होता है, फ्लोट होता है, अलग अलग राउंड में कैसे काम होता है, तो हमने जोसा के इससे ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वरना वो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप वो क्लिक करेगा देखिएगा, उसके अंदर आपको डिटेल में आपको बता रखा है जोसा के बारे में, फीस फ्लोट हर स्टेप बता रखे, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखेगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना दे फ्यूचर में, वरना बहुत सारे फ्यूचर में प्रॉब्लम देता है। डॉक्यूमेंट्स में बता रखे हैं कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो बनवा लीजिएगा आपने अभी तक नहीं बनवाया तो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंसलिंग हर राउंड की भी स्टार्ट होने वाली है, तो डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा, टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, 2 वीक का प्रोसेसिंग में जाता है टाइम, इसलिए सब डॉक्यूमेंट्स पहले बनाए ताकि कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं, वो आपका एडमिशन नहीं हो पाता, इसलिए सोच समझ के भरेगा। कट ऑफ के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप कट ऑफ देखिए हर कॉलेज की, कि आपकी लास्ट ईयर के हिसाब से क्या कट ऑफ आपकी हो सकती है, लास्ट ईयर में कौन से कॉलेज में हो सकती थी, और उस कॉलेज की सीट इंक्रीज हुई तो आपके चांस और इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस कॉलेज का चॉइस फिलिंग में सबसे पहले भरेगा, इसमें चांस आपको है कॉलेज में एडमिशन का, क्योंकि जिसमें आपकी मान के लिए किसी की रैंक आई है 10,000 तक की रैंक आई है, 20,000 आई है जनरल में, और किसी कॉलेज की 10,000 तक कट ऑफ जा रहे हैं बस, तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ 16-17 हज़ार की है, 18 हज़ार तक की है लास्ट ईयर की, तो आप उसको फिल कर सकते हैं, अपने चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं, और उसमें प्रेफरेंस पूछ रहा है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको प्रेफर करते हो, तो वो भरिएगा उस हिसाब से, और सोच समझ के भरिए, क्योंकि आपके 4 साल है इसमें, आप पूरा अपना फ्यूचर आपका जाएगा BTech के अंदर या BArt में जो भी आप करेंगे, तो आप काफ़ी सोच समझ के करिएगा, ये नहीं कि आपके दोस्त कर रहे तो सेम वही देख के कर दिया, क्योंकि आपको अगर इंटरेस्ट है तभी करिए वरना मत करिएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले बता रखी है आपको, आप वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो बना दी है और इसकी सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे आपको, जो भी है कमेंट करिए, पूछिए जो भी डाउट्स है।
हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे सबका रिप्लाई देने की, क्योंकि कमेंट ज्यादा होते हैं तो फिर रिप्लाई करना मुश्किल आता है, मगर हम लोग अधिकतर कमेंट्स का रिप्लाई कर ही देते हैं। और वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार जरूर देखिएगा जाने से पहले, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ना आए बाद में। इसमें हमने अच्छे से पूरे प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है, और जो भी अब जोसा की अपडेट जो भी आएगा, डिटेल्स आएगा, मैं आपको बता दूंगा। और थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाइएगा तो ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और आपको जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बताते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।